सोमवती अमावस्या 20 फरवरी 2023 सोमवार को साल की पहली सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन गंगा नदी और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और दान भी किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास अंतिम मास होता है, इसलिए इस मास में मंत्र जप और तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। इस दिन स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने से पितृ दोष काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली का और समृद्धि का माहौल बनता है। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या पर कौन से योग बनेंगे, क्या है मुहूर्त, क्या है दान का मुहूर्त, सभी जानकारी विस्तार से। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुंचते रहें। 2023 में तीन सोमवती अमावस्या का बनेगा योग। पहला योग 20 फरवरी को है, दूसरा योग 17 जुलाई को है, तीसरा योग 13 नवंबर को है। फाल्गुन सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त है। तिथि आरंभ होगी 19 फरवरी 2023 समय शाम 4:18 पर। तिथि का समापन 20 फरवरी 2023 समय दोपहर 12:35 पर। दान का मुहूर्त है 20 फरवरी सुबह 7:07 से सुबह 8:25 पर। पूजा का मुहूर्त 20 फरवरी सुबह 9:50 से सुबह 11:15 पर। शिव योग 20 फरवरी 2023 सुबह 11:03 से 21 फरवरी 2023 सुबह 6:57 तक रहेगा। अमावस्या पर तर्पण करें। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र स्नान एवं दान के साथ साथ तर्पण आदि का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान के बाद पितरों के आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जीवन में सभी दुखों का नाश हो जाता है। इसके साथ साधकों को कई प्रकार के दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। आप भी अगर पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के व्रत को रखकर सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आप करेंगे अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे द्वारा नई नई जानकारी नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।